नमस्कार फारूम भाइयों, आज का जो मॉर्निंग का प्रैक्टिकल सेशन है वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का रहा। किस तरह से मेजरमेंट करके एनिमल्स के सामने फीड डाला जाता है, ये प्रैक्टिकली सभी फारूम भाई अपने आप कर रहे हैं, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों 28 जुलाई के ट्रेनिंग सेशन का आज सेकेंड डे है और आज का दिन की शुरुआत हो चुकी है। सभी फारूम भाई सुबह का दाना पानी डाल के, जो हम अपने पिक्स को डालते हैं वो डाल के वापस आ चुके हैं। ब्रेकफास्ट का समय हो चुका है। आज के ब्रेकफास्ट में जो सभी फारूम भाइयों को मिलेगा, यहाँ आके दिखा दीजिए, ये मिल्क शेक है। मिल्क शेक के साथ साथ सभी फारूम भाइयों के लिए आज पाव भाजी बनाई गई है। पाव भाजी आप देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त रंगत आई हुई है, बहुत ही शानदार। साथ में सलाद का इंतजाम किया गया है, ग्रीन चटनी, मिंट सॉस, साथ में मक्खन और अचार। आगे आप वीडियो में देखेंगे, फारूम भाइयों से रिव्यू भी पूछेंगे किस तरह का नाश्ता उनको लग रहा है, किस तरह से उनके ट्रेनिंग सेशन चले, किस तरह से प्रैक्टिकल सेशन चले, वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। वीडियो में बने रहें, धन्यवाद। सर आज आपके खाने में क्या है? ये ले लीजिए, आज पाव भाजी है जी और रूह अफजा है जी। काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका और अच्छा बना हुआ है, हेल्दी ब्रेकफास्ट है जी। आपको रुकने में कोई समस्या आ रही है? नहीं नहीं सर, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, किसी भी कोई भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जो ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं वो आपको वेल एंड गुड चल रहे हैं, बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से। हाँ जी सर, आप प्रॉपर लगा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी सर। आगे दीजिए और किसी सर को लीजिए सर। आप ये सर हमारे, आप सर कहाँ से आए हो? वेस्ट बंगाल में? वेस्ट बंगाल। कैसा लग रहा है खाना आपका, अकोमोडेशन वगैरह? यहाँ का बहुत ही अच्छा लगा सर, खाना रहना और जो हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जी बहुत अच्छा से हो रहा है। इवन मैंने 2-3 डिलीवरी भी किया हूँ, ये लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है मेरे लिए, और खुद अपने हाथ में हाथ से करना ये मेरे लिए बहुत अच्छा है सर। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपको? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है सर जी। सर को दीजिए। सर हमारे आसाम से, गुड मॉर्निंग, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा सर, खास करके मैं आगे ही उसमें तो ट्रेनिंग के बारे में मैक्सिमम बता चुका हूँ अभी, आज खास करके मैं खाने के बारे में बता रहा हूँ। जो खाना है बिल्कुल हेल्थी खाना है और हमें कभी सोचा भी नहीं था मतलब ऐसा भी खाना मिल सकता है, मतलब हमने ट्रेनिंग के दौरान आज बहुत अच्छा लगा, मतलब खाने पीने के और ये है इतना मतलब बढ़िया इंतजाम है, ये सही में सभी को आके एक बार वो करना सही है। और यहाँ पर थोड़ा सा भी सोचने का बात ही नहीं है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगा या कोई हो, कुछ भी हो अपना सर ये बिल्कुल सॉल्यूशन का मास्टर है और हर एक तरह का इतना बढ़िया ट्रेनिंग दे रहा है जिससे कि हमें अभी फ्यूचर में और कोई भी फार्म ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए, कोई फार्म स्टार्ट करने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। उसमें जितना बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक ट्रेनिंग है, सब कुछ हम बाय अपना हैंड से किया है, अपना हाथ से। आपने सर शुरू में आते ही 2-2 डिलीवरी का एक्सपीरियंस लिया था, अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत बढ़िया रहा मेरा एक्सपीरियंस, मैंने कभी पिगलेट्स को तो हाथ में तो उठाया नहीं था, बड़ा वाला को भी नहीं उठाया था। अभी मैंने खुद बच्चा जैसे माँ के गर्भ से बाहर आया, मैंने खुद हाथ से उठाया, एक इधर से उठाता हूँ तो दूसरा टायर हो जाता है, तो डेट मीन्स दो मदर को, अभी एक का 12 है, एक का 10 था बच्चा, तो डेट मीन्स इसको पूरा के पूरा संभालना बहुत बड़ा बात है। मैं सुबह की बात है कि अभी आते मुझे इतना बड़ा एक्सपीरियंस मिला, मैं सोच रहा हूँ ये मेरा पूरा लाइफ में जितना मतलब फार्मिंग करूँगा टॉप टॉप मेरा ये काम आएगा। आप फुली सेटिस्फाई अपने ट्रेनिंग से? फुल सेटिस्फाइड हूँ सर जी, थैंक यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, थैंक यू, जय हिंद। तो दोस्तों ट्रेनिंग का सेकंड डे है और इस तरह से एक एक दिन करके हम सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे। आज भी फारूम भाई के साथ जो प्रैक्टिकल सेशंस होंगे, थ्योरेटिकल सेशन होंगे, वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। वीडियो में बने रहे, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार फारूम भाई, आज का जो प्रैक्टिकल सेशन रहेगा वो टीथ कटिंग के ऊपर रहेगा, कैसे कैसे हमें पिगलेट्स के टीथ को काटना है। आज इन बच्चों के बर्थ को सेकंड डे है और आज हम इन पिगलेट्स के सभी टीथ को काटेंगे। 8 टोटल कैनाइन टीथ होते हैं, फार्मर भाइयों को प्रैक्टिकली बताएंगे कौन से टीथ को इनको काटना है और टीथ काटने के क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से सेफली उनको टीथ को काटना है, मसीडू को बचाते हुए, जीभ को बचाते हुए, होंठ को बचाते हुए, एक एक करके सभी पिगलेट्स के हम आज टीथ कटिंग करेंगे। दोस्तों आ चुके हैं पिगलेट की टीथ कटिंग के लिए। टीथ कटिंग और टेल कटिंग दोनों आज हम फारूम भाई के साथ प्रैक्टिकली करेंगे।
पिगलेट को किस तरह से होल्ड करना है, अगर आप अकेले टीथ कटिंग कर रहे हैं तो पिगलेट को किस तरह से अपनी उंगलियों में होल्ड करके सेफली आप उसके टीथ कटिंग कर सकते हैं। ये टोटल 8 केनाइन टीथ होते हैं जिनको आपने एक एक करके काटना है। टीथ कटिंग करते हुए उसके होठों को, उसके मसूड़ों को, उसकी जीभ को कैसे बचाना है और किस तरह से आप सेफली टीथ कटिंग कर सकते हैं, प्रैक्टिकली सभी फार्म भाइयों को ये दिखाया गया। इसके बाद सभी फार्म भाइयों ने प्रैक्टिकली ये सब किया, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। अगर किसी फार्म भाई को किसी तरह की प्रॉब्लम आ भी रही है तो हमसे वो बार बार पूछ रहा है, उनके डाउट्स हम क्लियर कर रहे हैं किस तरह से आप सेफली टीथ कटिंग कर सकते हैं। और सभी फार्म भाइयों ने यह प्रैक्टिकल सेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से किया। नमस्कार फार्म भाइयों, मैं अरुण गुवार आप सभी का स्वागत करता हूँ इंडियन पिग फार्मिंग जुड़ना नरुखेड़े रोड डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा में। दोस्तों, जुलाई के ट्रेनिंग सेशन के सेकंड डे का वीडियो लेके आज के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आपने वीडियो में देखा किस तरह से सभी फार्म भाइयों ने मॉर्निंग की शुरुआत प्रैक्टिकली किस तरह से एनिमल को फीडिंग करानी होती है, कैसे एक बाड़े में कितने एनिमल है उनको कितना फीड जाएगा, कैसे मेजरमेंट करनी और खुद उसको किस तरह से डिलीवर करना है, इसके बारे में सभी फार्म भाइयों ने प्रैक्टिकली सीखा। इसके बाद अन्य प्रैक्टिकल सेशन भी हमारे होते रहे, आपने देखा होगा जिसमें कि आज टीथ कटिंग और टेल कटिंग का सेशन था, किस तरह से केनाइन टीथ को काटा जाता है, मसूड़े को जीभ को बचाते हुए कैसे आप केनाइन टीथ को काट सकते हैं, इसके बारे में प्रैक्टिकल सेशन है। सभी फार्म भाइयों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। दोस्तों, एक दिन में 4 से 5 प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन हमारे ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा रहते हैं। हम सभी तरह के प्रैक्टिकल सेशन वीडियो में आपके साथ साझा नहीं कर पाते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। साथ ही जो इवनिंग का समय रहा हमारा वो थियोरेटिकल सेशन का रहा, उसके अंदर फार्म से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वाटर फिटिंग मैनेजमेंट को लेकर सभी तरह के फार्म भाइयों के डाउट्स दूर किए गए। तो दोस्तों, इस तरह से पूरे दिन का कार्यकलाप रहा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी के बटन को दबा लें ताकि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, थर्ड डे का व्लॉग लेके बहुत ही जल्द आपके सामने हाजिर होता हूँ। तब तक सभी फार्म भाइयों के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।